नमस्कार आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज दिल्ली में संकल्प फाउंडेशन और पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच की तरफ से आयोजित व्याख्यान माला दो को संबोधित किया इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाज में परिवर्तन तब आएगा जब हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों का आदर करेंगे भारतीयता और भारत हम सबके लिए सर्वोपरि है हमें भारतीय होने पर गर्व है उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज जब देश आजादी के अमृत काल में है तो महान विभूतियों की उपस्थिति हम सबको ऊर्जावान बनाती है आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल में है ऐसी विभूतियों का हमारे लिए प्रेरणा और मापदंड है उनकी उपस्थिति हमें ऊर्जावान बनाती है वी आर इंस्पायर्ड मोटिवेटेड टू एंगेज इन नेशनल सर्विस ऐसी महान विभूति का सम्मान श्रेष्ठ मानदंडों का सम्मान है समाज जिस अच्छाई पर टिका है उसका सम्मान है इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका निर्णायक है उन्होंने कहा कि दो तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं का अहम योगदान होगा हमारे युवा आज के युवा भारत एट टू के सैनिक सलार से हैं युवा प्रजातांत्रिक शासन और विकास में सबसे महत्वपूर्ण हितकारक हैं धारक है यूथ आर द स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस यूथ आर द स्टेक होल्डर्स इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज आने वाला समय आज के नवयुग का होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह के दौरान लोगों से संवाद किया इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का लक्ष्य ब्लॉक स्तर पर नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है दिल्ली में भारत मंडपम में संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम प्रशासन की गुणवत्ता सुधार कर देश के तीन जिलों के पांच सौ आकांक्षी प्रखंडों में लोगों का जीवन बेहतर बनाएगा उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में ब्लॉक पंचायतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है जब हर ग्राम पंचायत काम तेजी से करेगी तो ही हर ब्लॉक का विकास तेजी से होगा एक महीने के भीतर भीतर अभी वो लोग यहां जमा हुए हैं जो देश के दूर सुदूर गांव की चिंता करने वाले लोग हैं आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं और इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे याने आप कैनवास का रेंज देख लीजिए जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य ने नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रखकर के काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं मेरे लिए गर्व की बात है मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है प्रधानमंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम से 112 जिलों में 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव आया है इस कार्यक्रम के पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह कुशल प्रशासन का सशक्त उदाहरण साबित हुआ है इस कार्यक्रम ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कुशल प्रशासन पर ध्यान केंद्रित किया के जाए तो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के करीब तीन हजार से ज्यादा प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने आकांक्षी जिला अभियान ने देश के 112 जिलों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन बदल दिया है क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है ईज ऑफ गवर्नेंस में बदलाव आया है और जो कल तक छोड़ो यार बस जिंदगी पूरी कर लो ऐसे ही गुजारा करना है उस सोच में से बाहर होकर के वहां का समाज अब ऐसे नहीं रहना है कुछ करके दिखाना है इस मूड में मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी ताकत है इस अभियान की सफलता अब एक्सप्रेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का आधार बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक्सपीरियंस इतना सफल रहा है कि दुनिया में विकास के मॉडल की चर्चा करने वाले हर कोई इसमें से बहुत कुछ लेसन खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए सजेस्ट कर रहे हैं हमने भी उसी में से बहुत सीखा है और उसमें से विचार आया है कि 500 ब्लॉक्स देश के हर राज्य में जहां भी और एक पैरामीटर के तहत उसका मूल्यांकन किया गया है और उसमें से इन 500 ब्लॉक अगर हम इसको स्टेट की एवरेज पर अगर हम ले आए नेशनल एवरेज पर ले जाए आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा परिवर्तन आएगा कितना बड़ा परिणाम आएगा और मुझे विश्वास है कि जिस तरह एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ने कामयाबी का परचम लहराया है वैसे ही एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम भी हंड्रेड परसेंट सफल होने ही वाला है फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही आप देखते रहिए सनसद टीवी नमस्कार